बोलो कि मेरा फॉल्ट है यार, यहाँ हो ही नहीं रहा है हमारा इंटरव्यू यार। मुझे कल से फोन इतने आ रहे हैं ना। क्रिएट योर ओन स्टोरी जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा। क्या है पैसे कमाने का सोर्स, क्या है जुम्मा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं रात को आया था आदिल के घर और यहाँ देख सकते हो, यहाँ आदिल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ से वजद भाई अस्सलाम वालेकुम मुझे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं जेके रेवोल्यूशन से। तो बाकी मुझे गिफ्ट एक भेजा है जिसकी मैंने स्टोरी जो है ना वो की पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर, तो वो हम अनबॉक्स करते हैं, देख लेते हैं उस गिफ्ट में, उस पार्सल में क्या है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स भेजा है गार्डियन गियर्स ने। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, गार्डियन गियर्स एक कंपनी है जो बैग्स बनाती है, एडवेंचरस बैग्स, चाहे वो बाइकर्स के लिए चाहे वो साइकिलिस्ट्स के लिए। ये जो कंपनी है ना, ये पिछले टाइम मैंने इनको देखा था शार्क टैंक में ये पिच करने गए थे और बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना सक्सेसफुल रहे। और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया, वहाँ देखा कि मैं ट्रैवल लवर हूँ, तो फिर इनके साथ बात हो गई और बात करते करते बात यहाँ तक पहुँची। तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा, बोला हम गिफ्ट भेजते हैं, बस इसका थोड़ा आप देख लो, रिव्यू कर लो कि मटेरियल कैसा है, ताकि आप जो है ना लोगों तक पहुँचा सकते हो सही इन्फॉर्मेशन। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं 2-3 दिन पहले ही रिसीव किया मैंने, तो अभी हम देख लेते हैं क्या है अंदर से। ओ भाई ये मुझे चाहिए था। थैंक यू सो मच गार्डन गियर्स इसके लिए। आई रियली लव दिस थिंग। 1 2 3 4 प्लस ये 5 आइटम इन्होंने भेजे और देख लेते हैं इन्होंने क्या भेजा है। तो ये रहा हमारा सामान। यहाँ एक तो है हाइड्रेशन बैग, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है और ख़ास कर देखो गार्डियन गियर्स लिख के, और इसकी क्वालिटी जो है ना एकदम बढ़िया है, रफ़ क्वालिटी है, मटेरियल जो है ना वो एकदम बढ़िया है, बेस्ट है। यहाँ से डैनलोप है, ये हम साइड में रखते हैं। और इसके बाद आते हैं ये जो है ना, ये साइकिल पर हम रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बैग है। ये जो है ना, इसमें आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हो। यहाँ से और भी पाउचेस है इसके, और भी पॉकेट्स है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसकी क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, देख सकते हो अंदर से क्या क्वालिटी है। और ख़ास कर ब्रांडिंग देखो, गार्डियन गियर्स एकदम बढ़िया। ये रखते हैं हम साइड में। और फिर आती है ये टी शर्ट जो है ना, ये उन लोगों ने मुझे कम्प्लीमेंट भेजा, बोला कि ये पहनने का है, बहुत अच्छी टी शर्ट है। गार्डियन गियर्स, गियर ऑफ योर मोटर साइकिल स्टोर। इधर दिखाओ यार भाई, आगे दिखाओ। और यहाँ से पीछे लिख के है क्रिएट योर ओन स्टोरी, जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द। ये रखते हैं हम साइड में। और फिर आती है की चेन जो है ना, देख लेते हैं। वाह, बहुत ही मस्त वाली की चेन है। www.gardengears.in। तो ये साइड में रखते हैं। जो है ना मेन ये है टेल बैग जो है वो साइकिल पे भी यूज़ कर सकते हो और बाइक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो गार्डन गियर्स, इसमें आप अपना लगेज जो है ना वो रख सकते हो। इसकी स्पेस जो है ना एकदम बढ़िया है। इधर दिखाओ, स्पेस देखो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त है। और इसके पॉकेट्स भी अच्छे हैं। यहाँ से साइड से आप जो है ना वो कुछ भी रख सकते हो। देखो यार बहुत ही बढ़िया। इधर से ये है, मेन चीज़ यही है। और इसके लिए मैं गार्डियन गियर्स को जो है ना वो थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये भी साइड में रखते हैं हम। और थैंक यू सो मच गार्डियन गियर्स, आपने मुझे एक गिफ्ट भेजा है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई देम और इसका फीडबैक मैं आप लोगों को देता हूँ। और ये देखो, अगर आपको ये गियर जो है ना, ये गियर्स परचेज़ करने हैं, ये बैग्स परचेज़ करने हैं, तो आप जा सकते हो www.gardengears.in की वेबसाइट पर। वहाँ आपको डिस्काउंट में ये सब बैग्स मिलेंगे। बाकी क्या है, बाकी हमें और यहाँ भाईजान को, वजद भाई को आप इंटरव्यू करना है, तो आप जो है ना वजद भाई के पास जाते हैं। भाई बोलने देखा मुझे, ये स्टैंड पे रखा, चल भाई बोल। हाँ जी, आज मेरा इंटरव्यू होने वाला था। भाई के बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, भाई इंटरव्यू। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। आपकी चैनल का नाम क्या है? जेके रेवोल्यूशन। सो मस्ट चेक माय interview on JK Revolution and Facebook. Facebook पर ही हो, YouTube पर करते हो आप? YouTube पर भी। YouTube पर इवन कि ये जो है ना ये मैं अपलोड भी करूँगा। जम्मू कश्मीर के नौजवान अब सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर अपना नाम कमा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के इस क्या बंदा है वो देख रहे हो, मतलब ये क्या हुआ आदिल? आदिल क्या हुआ? आदिल ने जो है वो अपना ऐसे मुंह रखा था। क्या बंदा है यार तू। देखो कैमरा कहाँ पकड़ा है इसने। लेट्स स्टार्ट अगेन जम्मू कश्मीर। मुझे अच्छा लगा है इसने बोला। हंसना नहीं भाई मेहरबानी करके। हाँ हम न्यूज बना रहे हैं इस वक्त। देखो यार जम्मू कश्मीर के नौजवान अब सोशल अस्सलाम वालेकुम यार यहाँ हो ही नहीं रहा है हमारा इंटरव्यू। सिर्फ हंसता ही रहता है। नहीं ये जो न्यूज पोर्टल है ना जेके रेवोल्यूशन न्यूज़पेपर है ये। ओह वाओ यार न्यूज़पेपर पे आएगा हमारा इंशाल्लाह। साइकिल पर मैं ट्रिप कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। उसमें बस यही है कि टूरिज्म के साथ उसकी कोलैबोरेशन हो रही है। हमारी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी है या फिर कुछ और भी सोचा है? देखो लोगों का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिलता है। गलती कहीं ना कहीं मेरी है। एक साल से जब मैंने ट्रैक ख़त्म किया मैं एक साल से बैठा हूँ। मैंने वो दिखाया कि मैं खाना खा रहा हूँ, लोगों को मेरे खाने खाने से क्या मतलब है यार। वो उस टाइप के लोग है। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मैं चाय पी रहा हूँ। व्हाट द हेक, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन। वही वायरल हो रहा है। उनका अपना कंटेंट है, मुझे अपना कंटेंट। मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग को पसंद करता हूँ। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एक इंसान में कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए या फिर कौन कौन से इक्विपमेंट्स उनके उसके पास होनी चाहिए, उसके बाद वो एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बन सकता है और लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। जी अगर हम देखें तो आज आपको सोर्स क्या है, पैसे कमाने का सोर्स क्या है? क्योंकि आप बाइक जो है वो आपने लाई है या फिर उस बाइक का खर्चा आपको उठाना है, तो वो सोर्स कहाँ से आता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान को अगर कुछ ना हो ना तो अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए। मैं क्या हूँ अपनी लाइफ में क्या नहीं हूँ तो वो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। एक तो मेरी फैमिली है, दूसरे मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरा हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है। और बट आई नो कि अल्लाह ताला उसी को हार्ड टाइम देता है, आजमा रहा है जो उसको मतलब पसंद होता है ना। तो ये भी मुझे बिलीव है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इंशाल्लाह जैसे आपने बोला 2 आईफोन 1 अल्टो वो तो कमा ही लूँगा। मैंने कल भी एक यूट्यूबर की एक स्टोरी चलाई तो उसके बाद वहाँ पर उसके जानिब से कहा गया कि मैं तकरीबन 2 आईफोन कमा सकता हूँ एक महीने में। 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं। क्या लगता है क्योंकि इस वक्त फ़ोन कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हाल है, तो फिर तो हम सब आएँगे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटिंग में भी वो कमा सकता है तो अगर उसके व्यूज़ उतने हैं हो। बट मैं नहीं कमाता। मैं ना चाहिए सच, क्योंकि बहुत मज़ा आता है सच बोलने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटरव्यू बहुत ही सक्सेसफुल गया। आई हैव मेंशन्ड इट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड माय जॉब। हाँ वो अच्छा मैं वो नहीं बोल रहा। जैसे ये कहा यार मुझे कल से फोन इतने आ रहे हैं ना, इतने मैसेज आ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिला के भी मैं उतना नहीं कमाता हूँ और ना ही ये बंदा तो ये क्यों नहीं कमाता है? ये बंदा जो है ना ये कमाता है। मैं सच बता शूट। हाँ अगर ये शूट लेगा लाइक इसके ट्रैवल रील्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसके क्लाइंट्स आते हैं तो ये कमा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना तेरा क्यों नहीं चला, तू क्यों नहीं कमाता ये मैं बताऊँगा। बता अच्छा तरह वीडियो मिवन खाता यार अच्छा ऐसी चला वीडियो 10 व्यूज इससे 50 व्यूज। मैं बिजनेस डेवलप कर रहा था यार। ये बोल रहा है तेरा फॉल्ट है ना, वो तेरा फॉल्ट। मैंने बोला कि भाई वजह पे मैंने बोला कि मेरा फॉल्ट है। मैंने बोला कि मेरा फॉल्ट है।